हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसपी के साथ डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखेंगे। लास्ट एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने जीएसपी का लॉगिन का एग्जांपल आपके साथ किया था और जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल डाटाबेस कनेक्शन करा था। आज हम लोग उसी लॉगिन के एग्जांपल के अंदर हम लोग डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और साथ में इसके अंदर हम लोग जो है आपका इंक्लूड डायरेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। तो आप अगर सामने देखेंगे तो हम लोगों ने एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल जैसे पहले बनाया था हम लोगों ने वही बना हुआ है हमारे पास, लॉगिन डॉट एच टी एम एल जो कि एक्शन के ऊपर सबमिट के ऊपर लॉगिन डॉट जी एस पी को कॉल कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो जी एस पी डेमो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने जावा रिसोर्सेज के अंदर एस आर सी, ठीक है, जावा रिसोर्सेज के अंदर एस आर सी में कॉम पैकेज बना रखा है और कॉम पैकेज के अंदर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्शन मैनेजर और जावा, ये हम लोगों ने सर्वलेट में भी करा था और जी डी बी सी में भी करा था। तो आपके सामने ये कनेक्शन मैनेजर एक क्लास है और कनेक्शन मैनेजर के अंदर हम लोगों ने गेट कनेक्शन मैथड बना रखा है जो रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें हम लोगों ने ड्राइवर को यूज कर रखा है। दूसरा जो है मैंने बताया था टेबल को रिप्रेजेंट करा जाता है, तो टेबल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है उसके लिए हम लोगों ने एक रेज डॉट जावा बना रखा है। ये भी हम लोगों ने सर्वलेट में पढ़ा था, वही सेम एग्जांपल है, जीडीबीसी में भी हम लोगों ने डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये टेबल का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोगों ने सेटर और गेटर मेथड बना रखे हैं जो कि डाटा को सेट और गेट कर रहे हैं टेबल के अंदर, ठीक है ना, मतलब ये टेबल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने एक बूलियन वैल्यू ले रखी है वैलिड जो कि हम लोग सेट कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेट के अंदर वैलिड में ट्रू या फॉल्स को सेट कर रहे हैं और इस वैलिड से हम लोग उसे गेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रेज हो गया। उसके बाद एक हम लोगों ने डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने एसक्यूएल क्यूरी लिखी हुई है। तो आप देखेंगे डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इंसर्ट डाटा, तो इंसर्ट डाटा के अंदर ये रेज का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एज अ आर्गुमेंट भेज रखा है। ये आपने सब चीज़ें पहले भी एग्जाम्पल में करी हुई है और उससे रेज के अंदर जो डाटा सेट हो रहा है, जो रेज के अंदर जो भी डाटा हमारा सेट हो रहा है, ठीक है ना, ये जा रहा सेट मेथड में जो भी डाटा वो कहाँ से सेट होगा, वो हमारा फ्रंट एंड से जो जीएसपी में वैल्यू जा रही है वहाँ से डाटा सेट होगा। सेट सेट ये जितने भी सेट है ना, ये सेट सेट नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर गेट करेगा, जो भी डाटा वहाँ पर सेट होगा यहाँ पर रेज में जो डाटा सेट होगा वो यही गेट करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये गेट से हम लोगों ने डाटा को गेट कर लिया, गेट कनेक्शन से कनेक्शन क्योंकि एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर कर रखा है तो गेट कनेक्शन से कनेक्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रेज वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस, इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट तो मैंने फॉल्स कर दिया और नहीं तो हम लोगों ने एल्स के अंदर उसे इंसर्ट के एसक्यूएल क्वेरी से उसको इंसर्ट करवा दिया और उसको ट्रू कर दिया। इसी तरीके से हमने एक और मेथड बना रखा है चेक मेंबर। अब चेक मेंबर जो ले रहा है वो यूजर आईडी और पासवर्ड ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, वही मैंने आर्गुमेंट रेज का बना रखा है और वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर यूजर आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस, और अगर इफ आर एस डॉट नेक्स्ट तो ट्रू और नहीं तो एल्स में फॉल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन मैनेजर बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा, रेज जिसमें सेटर गेटर मेथड है और डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट जो भी काम हमको करना होता है टेबल के अंदर उसकी जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होती है वो हम लोग डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जीएसपी में कैसे यूज करेंगे, ये मैंने कॉम पैकेज बना रखा है। तो जब हम लोग एचटीएमएल से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन डॉट जीएसपी कॉल होगा। तो आप देखिएगा लॉगिन डॉट जीएसपी के अंदर हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1 और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T2 से डाटा को गेट कर लिया यूजर आईडी और पासवर्ड। और यहाँ पर जो हमारा पेज डायरेक्टिव है, इस पेज डायरेक्टिव में मैंने एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर रखा है डाटाबेस कनेक्शन के लिए और साथ में मैंने कॉम डॉट स्टार, ये मैंने आपको इंक्लूड पेज डायरेक्टिव बताया था जो पेज की इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके अंदर हम लोगों ने कॉम पैकेज, ये रहा कॉम पैकेज, कॉम पैकेज के अंदर की लाइब्रेरी को भी हमने इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये मेरा स्क्रिप्टलेट टैग है, तो मैंने बताया था स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आप कुछ भी जावा का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो टेबल की रिप्रेजेंटेशन थी रेज उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर बनाकर हम लोगों ने जो कि HTML से डाटा GSP में आ रहा है, ये एक रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर का कर रहा है, HTML से डाटा GSP में ले रहा है,
उस डाटा को हम लोगों ने किस में सेट करवा दिया, उसको हम लोगों ने रेज नाम की बीन में सेट करा दिया। जब रेज नाम की बीन में सेट करवाएंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब उसको गेट करेंगे तो ये कहाँ से गेट हो जाएगा, जो यहाँ से सेट हुआ था, जो भी डाटा आपने यहाँ पर सेट करवाया था वो यहाँ पर गेट हो जाएगा, जो हम लोग उसे गेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने आगे डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट वही का DOA बनाया, और ठीक है DOA का बना दिया, और उसके बाद चेक मेंबर को कॉल कर दिया, चेक मेंबर में R को पास करवा दिया। तो ये देखेंगे ये हमारा यहाँ पर चेक मेंबर और रिजल्ट रेज का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, और वहाँ पर जो डाटा सेट हुआ था यहाँ पर गेट हो जाएगा, और उसके बाद वो सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इज वैलिड को गेट कर लिया, तो इज वैलिड में इफ ट्रू, इफ ट्रू का मतलब क्या हुआ कि मेंबर है। तो हम लोगों ने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आपको बताए थे मैंने, सेशन हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, और उससे हम लोगों ने लॉग नाम का सेशन बना दिया। और उसके बाद ये मेरा एक्सप्रेशन टैग है, बताया था आपको मैंने, और एक्सप्रेशन टैग क्या करता है, आउटपुट देता है। तो इसमें देखिएगा ये स्क्रिप्टलेट टैग जो हमने स्टार्ट करा था, वो स्क्रिप्टलेट टैग पहले बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसपी में नेस्टेड टैग नहीं होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन टैग के लिए आपको पहले स्क्रिप्टेड टैग को बंद करना पड़ेगा। ये इफ का कंट्रोल चल रहा है, इफ ट्रू तो ये आउटपुट दे रहा है हेलो यूजर आईडी वेलकम। इसके बाद एक हमारे पास मैंने आपको बताया था जीएसपी कॉलन इंक्लूड और जीएसपी कॉलन फॉरवर्ड, दो टैग्स होते हैं। जीएसपी कॉलन फॉरवर्ड क्या करेगा, पेज को नेक्स्ट पेज के ऊपर जो रिस्पॉन्स और सेंड रिडायरेक्ट जैसे हम लोग कर रहे थे उसकी जगह जीएसपी फॉरवर्ड विल फॉरवर्ड द कंट्रोल या रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट डॉट जीएसपी, ठीक है ना। और नहीं तो एल्स के अंदर वापस से कहां पर चला जाएगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पर चला जाएगा। अब इस पेज के साथ मेरे को क्या करना है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो बताया था इंक्लूड डायरेक्टिव। तो कॉपीराइट जो है, ये मेरा कॉपीराइट जो हमने बना रखा है, ये कॉपीराइट मेरे को हर पेज के नीचे चाहिए, ठीक है ना। अब ये हर पेज के नीचे कॉपीराइट के लिए या तो मैं इसको बार बार लिखूं, नहीं तो मैंने इसका कॉपीराइट डॉट एचटीएमएल जो है ये वन टाइम बना लिया कॉपीराइट, और इसके बाद अब मेरे को जहां पर भी इसे इंक्लूड करना है तो मैं जीएसपी कॉलन इंक्लूड और ये इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिएगा ये मेरे को एडवांटेज भी मिल रहा है इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा, और अगर ये मेंबर होगा तो आपका ये प्रोडक्ट डॉट जीएसपी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट डॉट जीएसपी में जाकर हम लोग यहाँ पर फिर से चेक कर रहे हैं कि आप लॉगिन कर आए हो या नहीं लॉगिन कर करा। तो देखिए यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग में हम लोग सेशन से गेट एट्रीब्यूट पर करें, अगर यूजर आईडी नल है, नल का मतलब क्या हुआ कि आप लॉगिन करके नहीं आए हो, तो यू आर नॉट लॉग्ड इन। और देखिए यू आर नॉट लॉग्ड इन के साथ उसने यहाँ पर अब लिख दिया लॉगिन नाउ, और साथ में यहाँ पर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना। और नहीं तो एल्स के अंदर ये प्रोडक्ट का फॉर्म आपका डिस्प्ले में नजर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट वन डॉट जीएसपी आप अपने आप ही ट्राई करिएगा बनाने का, ये मैंने अभी बनाया नहीं है। तो आप इसके अंदर जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट वन डॉट जीएसपी में आपको क्या करना है, जाकर प्रोडक्ट टेबल में इंसर्ट कराना है। ये चीज हमने सबमिट में भी एग्जांपल करा था, तो वहां से भी इसको देखकर अपने आप ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ओरेकल एक बार देख लेते हैं, ओरेकल में हमारे पास क्या डाटा पड़ा हुआ है। टेबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, रेज टेबल यूज कर रहे हैं, रेज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेज। तो देखिएगा ये अमित एस और एबीसीडी हमारे पास मेंबर है, तो इसी को यूज करके देखते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली जाता हूं, अगर कोई बंदा लॉग इन करे बगैर प्रोडक्ट और जीएसपी पर सीधा चला जाता है, पहले उस चीज को चेक करते हैं।
देखेगा यू हैव नॉट लॉग्ड इन, और साथ में देखेगा क्या इंक्लूड हो गया, कॉपीराइट इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लॉग इन नाउ डायरेक्टली जाएगा तो लॉग इन नहीं हो रहा, गलत डाल देता हूँ मैं, जैसे ए एम आई टी टी और ए बी सी डी, तो देखेगा नॉट मेंबर, तो इसके साथ भी कॉपीराइट ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए डाटाबेस कनेक्शन हो रहा है, और मैं जब सब सही डाल देता हूँ और तो ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म खुल गया हमारा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आगे चला गया। इसके बाद आप इसमें डाटा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद भी आप ऐसे DOA का यूज कर और प्रोडक्ट टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट डॉट जावा ऐसे आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट DOA डॉट जावा ऐसे बना सकते हैं, और उसके बाद आप उसको यूज कर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल वही सेम टू सेम एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी करा है, उसी तरीके का एग्जाम्पल आपको करना होगा, ठीक है ना। हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग में देखेंगे कि GSP और जावा बीन्स क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो जावा बीन्स और GSP का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।